भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र स्थित उर्दू बाजार दुर्गा मंदिर के समीप बुधवार की सुबह एक 14 वर्षीय युवक ने बंद कमरे में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान कहलगांव अनुमंडल के अंतिचक थाना क्षेत्र निवासी राकेश कुमार मंडल के 14 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर मृतक के भाई आयुष ने बताया कि अंकित पिछले 6 महीने से उर्दू बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के समीप एक प्राइवेट लॉज में रहकर पढ़ाई करता था। बुधवार की सुबह उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आयुष ने बताया कि वो उस वक्त कोचिंग में था। जब वापिस घर लौटा तो छोटे भाई अंकित को फंदे से लटकता हुआ पाया। वहीं छोटे भाई की मौत से वो काफी घबरा गया, जिसके बाद मकान मालिक की मदद से स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और फंदे से शव को नीचे उतारा। पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी परिजनों को दे दी गई है, फिलहाल छानबीन जारी है। इधर आयुष ने आशंका जताते हुए बताया कि मैट्रिक की परीक्षा को लेकर छोटा भाई काफी चिंतित था और कुछ दिनों से डिप्रेशन में भी रह रहा था, जिस कारण उसने खुदकुशी की होगी। हालांकि घटना के पीछे की असली कहानी क्या है या तो अनुसंधान के बाद ही सामने आएगी। भागलपुर नगर निगम में बुधवार को महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शहर के साफ सफाई व्यवस्था समेत विकास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान उपनगर आयुक्त, उप महापौर सलाउद्दीन हसन समेत समिति के सदस्य, पार्षद और विभिन्न विभाग के शाखा प्रभारी की मौजूदगी में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए, जबकि कूड़ा उठाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में रीशेड्यूल, रिसाइकिल, रीयूज के महत्व एवं विभिन्न चौक चौराहों व भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सार्वजनिक यूरिनल के निर्माण को लेकर पार्षदों ने अपनी अपनी बातें रखी। इसके अलावा खाली पड़े पोल पर LED लाइट लगाने के साथ पैदल चलने वालों के लिए शहर के विभिन्न जगहों पर फुटपाथ का निर्माण कराने पर भी विचार किया गया। साथ ही भागलपुर नगर निगम IT सेल के दैनिक कर्मियों को सामान्य बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विरमित करने की बात कही गई। बैठक में पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, अरसदी बेगम, दीपिका कुमारी समेत नगर निगम के अलग अलग शाखा के प्रभारी और कर्मी मौजूद रहे। आज हम लोग की स्टैंडिंग की इस साल की दूसरी बैठक है और इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है और हमें लगता है ये जो चर्चाएँ हैं वो सकारात्मक हैं, शहर के विकास के लिए है और जल्द ही जो भी मुद्दाएं ली गई हैं वो धरातल पर नजर आएंगे। धन्यवाद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर बुधवार को भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा कि पूर्णिया में राहुल गांधी की जनसभा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है और इस जनसभा का लाभ आने वाली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अवश्य मिलेगा। साथ ही विधायक ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर राजनीति करती है। इसके बावजूद 2024 लोकसभा चुनाव में जनता का अपार समर्थन विपक्षी गठबंधन को मिलने वाला है। इसके अलावा भी अजीत शर्मा ने कई मुद्दों पर भाजपा और नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से रंगभूमि मैदान में होने वाली सभा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। लेकिन हम लोग फ्लेक्सिबल है और हम चाहते हैं कि सभी पार्टी जो इंडिया गठबंधन में बिहार में है, सभी लोग फ्लेक्सिबल हो और एकजुट होकर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी को 2024 से गद्दी सौंपे। कांग भारत जोड़ो न्याय यात्रा में है, वहाँ आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आएंगे, हमारे वेणुगोपाल जी सेक्रेटरी भी आएंगे, सभी बड़े नेता वहाँ आएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं, अभी आप चिंता मत करिए सीट शेयरिंग का, पहले देश को बचाइए, युवकों को रोजगार दीजिए, महंगाई रोकिए, सीट कम बेस लड़ना नहीं लड़ना ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलकेरकर एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बिहार के उन महापुरुषों जिनका राजकीय समारोह आयोजित किया जाता है उन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। इसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के
कलाकारों द्वारा बिहारी गीत, आरती पूजन, जननायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर की जीवनी पर आधारित एक लघु फिल्म कर्पूरी ठाकुर गरीबों का मसीहा का प्रसारण कर सभी को उनके जीवन की संघर्षों से रूबरू करवाया गया। कार्यक्रम के दौरान भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। मौके पर जननायक कर्पूरी ठाकुर के परिजन, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे। गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर की ओर से बुधवार को जननायक कर्पूरी ठाकुर का शताब्दी जन्मदिवस समारोह प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर अत्यंत निम्न वर्गीय परिवार में पले बढ़े तथा ईमानदारी और संघर्षों के रास्ते चलकर राजनीतिक क्षितिज पर अमिट छाप छोड़ने वाले नेता बने। उनके कर्म और वचन में एक रूपता थी जिसके फलस्वरूप आज उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वहीं अर्जुन शर्मा ने कहा कि वो सरल एवं संघर्षशील नेता थे। मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने कहा कि उनके विचार और कार्य से सभी देशवासियों को प्रेरणा मिलती है। उनकी विचारधारा और सादगी से युवा पीढ़ी को सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन संजय कुमार व धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर जयंत जलज ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों ने जननायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। कार्यक्रम में मोहम्मद मंजर आलम, गौतम कुमार, मोहम्मद शाहबाज, अनीता शर्मा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर गांव में एक युवक की संदेशपद स्थिति में मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी विनोद पासवान के पुत्र कार्तिक पासवान के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक की मां ने बताया कि उसका पुत्र घर के समीप ही चौपाल पर गया था, लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटने के कारण परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। जब वो घर नहीं आया तो उसकी मां कार्तिक को ढूंढने कई ग्रामीणों के घर पहुंची। इसी दौरान स्थानीय ग्रामीण अरविंद पासवान की पत्नी ने बताया कि कार्तिक अचेत अवस्था में उनके घर के समीप गिरा हुआ है। खबर मिलते ही परिजन वहां पहुंचे और कार्तिक के शव को लेकर वापस अपने घर आए। परिजनों ने यह आरोप लगाया कि किसी ने कार्तिक की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर थाना प्रभारी रंजीत कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से पूछताछ कर घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने बताया कि शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। साथ ही परिजनों के फर्द बयान पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। बोल रहा था कि हमको घर में मारा, हाउस आया तब बोला डॉक्टर लोड हो रही, अच्छा यही बात बोला। तो हम सब अब घर आएंगे तब नहीं हम कुछ करेंगे सर। आप कौन हुए इनका? उसका चाची है। हम तुरंत एक आधा 10 मिनट नहीं ले बाबू, हम रोड पर से लिए हम वहाँ हमारा बेटा चलो चपालो पर
चपाला पर से अल हम 10 मिनट घर अल 10 मिनट हो इतना देर में बाबू हमारे बेटा के मारी फेंकी दल के हम रहो अकन पंडा कन देवाकन वही हमारे बेटा बोला लेलक आर हमारे बेटा के मारी बस फेंकी दल के गली में जाते के बैगनमान नाम से माय बाबू हमारे बेटा गली में फेंकी दिल्क तब एक भौजा अल अरविंद पास मनोर कनियान कि हमारा तोर मम्मी सुतली छो मम्मी है तोरा बेटा माँ गिरलो अथी में घर गली में हाँ गली में गिरलो तोरा बेटा माँ से यहाँ सर बन मारे हाय बेटा आर हम गिर बाबू भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर गांव में बुधवार को भीषण अगजनी की घटना हुई। मामले को लेकर बताया गया कि अगजनी की यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। गौरतलब हो कि ठंड का मौसम है और इस समय अमूमन किसान अपने फसल की तैयारी कर उसे इकट्ठा कर एक जगह पर रखते हैं, जिस कारण सूखे पत्तों या पुआलों में आग लगने की संभावना काफी अधिक होती है। वहीं आग लगने के बाद चांदपुर गांव में अफरा तफरी मच गई। किसानों की झोपड़ी में पड़े सभी सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन किसानों ने बताया कि घर में रखा सारा अनाज एवं सामान जलकर खाक हो गया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने कहा कि जब वो लोग खेत से लौट रहे थे तब उनकी नजर धधकती आग पर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम भी फौरन मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। कोई मतलब कथी के सामान में कोई भी होला है कत्ता चीज होला है घर में बेटा बापू हमरे बेटा छटका चुको की नाम छले उदय उदय पासवान हां हमरा कुत्ता वो पता कौन छ याने छे कोई कौन छे कथी साग लगलो छे कैसा किए बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को भागलपुर के सुल्तानगंज में भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन द्वारा चित्र और लेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रूबी कुमारी, द्वितीय स्थान पर श्वेता सुमन और तृतीय पर मोनिका रानी रही, जिन्हें समाज सेवी पुतुल कुमार द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान पुतुल कुमार ने कहा कि बालिका दिवस को प्रत्येक घरों में उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए, जबकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्देशक ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सभी बालिकाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए शुभकामनाएं दी। मौके पर गोपीनाथ यादव, सूरज किशोर समेत भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के अन्य सदस्य एवं बालिका प्रतिभागी मौजूद रहे।